विधानसभा क्षेत्र का शुरू हो गया कि नहीं? हो गया बोले ना। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का चीनी मिल जो कई सालों से बंद पड़ा है, किसान परेशान है, लोग परेशान है, जनता परेशान है, सवाल के सवाल उठते जा रहे हैं कि आखिर कब ये किसानों का जो चीनी मिल है चालू होगा। गन्ना खेती की बात करें, किसान गन्ना की खेती करते हैं, वो उसको कहाँ उसका सेल करें, कहाँ बेचे, उसकी भी एक समस्या सबसे बड़ी रहती है उनके सामने। तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र चीनी मिल कई दिनों से, मतलब कई सालों से बंद है, सरकार उस पर भी नहीं सोच पा रही है। वादे तो तमाम हो रहे हैं लेकिन रसड़ा का चीनी मिल कब चालू होगा इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि रसड़ा का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है? यहाँ का जो सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है, व्यवस्थाएं जो है पटरी से उतर चुकी हैं, विकास के वादे हो रहे हैं लेकिन खास तौर पे जहाँ कई लोगों की नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, चीनी मिल चालू करने का सवाल हो, उस पर चुप्पी साध कर राजनीति को गलत दिशा में ले जाना, कहीं ना कहीं विकास को पीछे करना बलिया को, ये दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीति से जुड़े कई लोग, खासतौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से वर्तमान सरकार पर ये मतलब टारगेट पर लिया है कि ये सरकार भी किसान में रसड़ा चीनी मिल को चालू नहीं करा पाई। तो इसका पहले सपा थी, बसपा थी, वो भी नहीं चालू करा पाई। तो सरकार जिसकी आती है विपक्ष उस पर उसको टारगेट करता है कि आखिर रसड़ा का चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ। सवाल भाजपा से भी है, सवाल बहुजन समाज पार्टी से भी है, सवाल समाजवादी पार्टी से है, मुलायम सरकार से है, अखिलेश सरकार से है, मायावती सरकार से है कि इनकी सरकारों में भी चीनी मिल नहीं चालू हो पाया, समस्याएं बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई और उसका समाधान नहीं हुआ। तो दोस्तों रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का चीनी मिल बंद होना कहीं ना कहीं किसानों के साथ और लोगों के साथ एक छलावा है कि उनके लिए हम चार कदम नहीं चल पा रहे हैं, उनकी जो सोच है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बस अब तक की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए बलिया आजकल। नमस्कार।